हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि अब सब लोग जानते हैं, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस वक्त जेल में हैं। उनको बचाना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एनसीबी को उनके खिलाफ़ और भी पुख्ता सबूत मिल गए हैं। शाहरुख खान और गौरी खान बहुत ही ज़्यादा बड़े झटके में मुब्तला हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुज़िश्ता रोज़ भी ज़मानत ना मिल सकी। 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है, जिसकी वजह से इन्हें मज़ीद वक्त जेल में गुजारना होगा। अदालत का ये कहना था कि आर्यन खान की दरख्वास्त से ज़मानत का फ़ैसला 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मकामी अदालत में केस की समाअत दौरान समाअत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत करते हुए दावा किया था कि इन्हें आर्यन के खिलाफ मंशियात की खरीदारी और तकसीम के हवाले से शवाहिद मिले हैं। एनसीबी ने ये कह दिया है कि आर्यन चंद सालों से बाकायदा मंशियात ले रहा है। मुलजम मंशियात की स्मगलिंग समेत मंशियात की खरीदारी और तकसीम में भी मुलव्वस है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी को आर्यन के बैरून चंद ऐसे लोगों से रबते के भी शवाहिद मिले हैं जो मंशियात की खरीदारी के लिए इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मजीद ये कहा, आर्यन की व्हाट्सएप चैट से भी शवाहिद मिले हैं कि आर्यन ज़्यादा तादाद में हार्ड ड्रग के लिए गैर मुल्की शहरी के साथ रबते में था। आपको ये न्यूज़ जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप आर्यन खान से मुतल्लिक न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। टेक केयर।